हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हेल्प क्लासेस फॉर एसएससी एंड बैंकिंग में मैं आपका वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो हरियाणा के जितने भी यूनिवर्सिटी है या यूनिवर्सिटी लेवल के जितने भी संस्थान है और जो इम्पोर्टेंट है और जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सा जो यूनिवर्सिटी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, किस स्थान पर है, या उनके जो वाइस चांसलर है वो कौन है, या वो कब उनकी स्थापना हुई। ओके, अगर आप हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज आप इस तरह के बटन पर क्लिक कर हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप उन वीडियो को देख सकें। काफी यूजर्स की मेरे पास कमेंट्स आ रही थी कि मैं ये जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर आता हूँ कि उनको मैं जो पीडीएफ फॉर्म होती है उनमें आपके लिए प्रोवाइड कराऊं ताकि आप उनको सिर्फ देख ना सको, उनको सिर्फ पढ़ सको। इसलिए हमने हमारा जो एक फ्री ब्लॉग है freehelpclasses.com, उस पर हमने जितनी भी हमारी वीडियो है उनको हमने उन पर अपलोड कर दिया है। इसलिए अगर आप चाहो तो हमारे इस ब्लॉग पर जाकर आप सभी उन वीडियो को पढ़ भी सकते हैं। इसमें जैसे इंग्लिश वोकैब को लेकर स्टडी टिप्स, शॉर्ट ट्रिक्स, ऑनलाइन वीडियो, इंग्लिश ग्रामर, हरियाणा जी के और जो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब है उनके बारे में करंट अफेयर, वो सभी आपको इस हमारे ब्लॉग पर मिल जाएगी। अभी हमने इसको एक दो दिन पहले क्रिएट किया है, इस पर हम सारा डाटा आपके लिए अपलोड कर देंगे। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या आप ये ऊपर देख सकते हो freehelpclasses.blogspot.in। इसलिए स्पेशली ये उन यूजर्स के लिए जिन्होंने हमारे जो वीडियो पर कमेंट की थी, इसलिए आप आज के बाद हमारी वीडियो को सिर्फ आप देखोगे नहीं बल्कि उनको आप सिर्फ पढ़ भी सकोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी है। सबसे पहले बात आती है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कहां पर है? यह है कुरुक्षेत्र के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं कुरुक्षेत्र बना कब था। कुरुक्षेत्र बना था 1973 के अंदर। ओके, अब बात करते हैं ये जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है यूनिवर्सिटी, ये कब बनी? तो ये बनी थी 1956 के अंदर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है ये हरियाणा की पहला विश्वविद्यालय है और इसकी जो स्थापना की थी 1956 में, जो हमारे जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने 1956 में की थी। और कुरुक्षेत्र बना था 1973 में। ये पहले कुरुक्षेत्र करनाल के अंदर था। सेकेंड, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय जिसे MDU भी बोलते हैं, यह है रोहतक के अंदर। रोहतक पता है आपको एक मंडल है। और यह कब बना था MDU? यह बना था 1976 के अंदर। और जो MDU के जो VC या वाइस चांसलर बोलते हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है विजेंद्र के पूनिया। और जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, इनके VC का क्या नाम है? इनके VC का नाम है डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा। नेक्स्ट, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, ये कहां पर है? ये हिसार के अंदर है। ये कब बना था? ये बना था 1970 के अंदर। और कहां पर है? ये हिसार के अंदर। और इनका जो वाइस चांसलर है उनका नाम क्या है? कृष्ण सिंह गोखर। जो मैं आपको बोल रहा हूं प्लीज आप उन्हें अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिए कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के VC का नाम क्या है? कृष्ण सिंह खोकर। नेक्स्ट, गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं तकनीकी यूनिवर्सिटी, ये भी हिसार के अंदर है। ये कब बनी थी? ये बनी थी 1995 के अंदर। और इनके जो वाइस चांसलर है उनका नाम क्या है? टंकेश्वर कुमार। ये एग्जाम में आपके लिए आ सकता है कि इनके VC का नाम क्या है, तो इनके VC का नाम क्या है? टंकेश्वर कुमार। और ये बनी थी 1995 में। पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस, ये कहां पर है? ये रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। इसको पंडित BD शर्मा यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस भी कहते हैं। और ये कब बनी थी? ये बनी थी 1960 के अंदर। और इनका जो वाइस चांसलर उनका नाम क्या है? OP कालरा। बनी थी 1960 के अंदर और इनके VC का नाम क्या है? OP कालरा। नेक्स्ट,
हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जाट पाली महेंद्रगढ़ में, देखिए सॉरी हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये एकमात्र हरियाणा का केंद्रीय विश्वविद्यालय है और ये जाट पाली महेंद्रगढ़ के अंदर है। और इनकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 2009 के अंदर। और इसके जो विषय है उनका नाम क्या है, आर सी कुहाड़। नेक्स्ट दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये कब बनी थी, ये बनी थी 1987 के अंदर और ये कहां पर है, मुरथुल के अंदर। और आपको पता है मुरथुल कहां पर है, मुरथुल है सोनीपत के अंदर। और आपको पता है 1987 में एक चीज और भी स्टार्ट हुई थी, वो क्या होती है, जो फरीदाबाद में 1 फरवरी से 15 फरवरी को जो सूरज कुंड का मेला लगता है वो सबसे पहली बार 1987 से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट भक्त फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 2006 के अंदर। और इनका जो वाइस चांसलर है उनका नाम क्या है, आशा काद्यान। और ये कहां पर है, ये भी सोनीपत में है, खानपुर में। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, ये कहां पर है, सिरसा में, और सिरसा बना था 1975 के अंदर। इसको CDLU यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। और ये कब बना था, ये बना था 2003 के अंदर। और इनका जो वाइस चांसलर उनका नाम क्या है, RS शर्मा। चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी, ये कब बनी थी, ये बनी थी 2013 के अंदर। और ये कहां पर है, ये है जींद जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर। और आपको पता है जो जींद है उसी में से जो पलवल है वो अलग हुआ था, पहले जो पलवल था वो जींद के साथ में था। नेक्स्ट इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, जो कहां पर है, रेवाड़ी में। और रेवाड़ी कब बनी थी, 1989 में, जैसे यमुनानगर हो गया, रेवाड़ी, कैथल, ये सभी 1989 में बने थे। YMCA यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये कहां पर है, ये है फरीदाबाद में। और ये बनी कब थी, ये बनी थी 69 यानी 1969 के अंदर। और ये इनका जो वाइस चांसलर है उनका नाम क्या है, दिनेश कुमार, सॉरी माफी चाहूंगा 1969 में ये नहीं बनी थी, ये बनी थी 2009 के अंदर। जो YMCA यूनिवर्सिटी है ये फरीदाबाद में है, ये 2009 में बनी थी। और इनके वाइस चांसलर का क्या नाम है, दिनेश कुमार। आपको पता है फरीदाबाद ऐसा डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है हरियाणा का, वो सबसे ज्यादा फरीदाबाद के अंदर है। और जो जनसंख्या है सबसे ज्यादा वो भी फरीदाबाद के अंदर है। नेक्स्ट लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, ये है हिसार के अंदर। और ये कब बना था, ये बना था 2010 के अंदर। और इनका जो वाइस चांसलर है उसका नाम क्या है, श्री कांत। नेक्स्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, ये कहां पर है, सोनीपत में। और ये डीएमड यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, ये कहां पर है, बिनोला। और बिनोला कहां पर है, गुड़गांव के अंदर। आपको पता गुड़गांव का अभी नाम चेंज हो गया है, अब इसको गुरुग्राम कहते हैं। और जो सबसे ज्यादा शिक्षित लोग है यानी सबसे ज्यादा साक्षर जो डिस्ट्रिक्ट हरियाणा का वो गुड़गांव है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए एग्जाम में कि सबसे ज्यादा महिला साक्षरता कहां पर है, तो वो गुड़गांव में है। अगर पुरुष का पूछे जाए कि सबसे ज्यादा पुरुष की जो साक्षरता कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो है रेवाड़ी में। और सबसे कम जो साक्षरता है वो है मेवात की। चाहे आपसे किसी भी पूछे जाए, पुरुष पूछे या महिला या ऑल ओवर, वो सभी सबसे कम साक्षरता कहां पर है, मेवात के अंदर। नेक्स्ट IIM जो यूनिवर्सिटी है वो कहां पर है, तो वो है रोहतक के अंदर। और ये भी एक जो डीएमड यूनिवर्सिटी है वो है। नेक्स्ट नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, ये करनाल के अंदर है।
आपको पता है करनाल के अंदर जो तराइन है उसमें दो फेमस युद्ध हुए थे 1191 और 1192। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि तराइन कहां पर है या तराई की लड़ाई कहां पर हुई थी, वो हुई थी करनाल के अंदर। नेक्स्ट, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर ये कहां पर है, मेलवाल के अंदर। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में शायद नहीं आएगा। नेक्स्ट, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय ये कहां पर है, ये भिवानी के अंदर है। और ये बना था 2013 के अंदर। बंसीलाल आपको पता है हरियाणा के सीएम रह चुके हैं, इन्हें भारत जो हरियाणा का लोह पुरुष भी कहा जाता है, चौधरी बंसीलाल को। नेक्स्ट, ये जितने भी यूनिवर्सिटी है ये गवर्नमेंट नहीं है वैसे, मतलब ये एक यूनिवर्सिटी लेवल के हैं, यानी निजी या प्राइवेट भी बोल सकते हो आप, इन्हें चाहो तो याद कर सकते हो, वैसे इतने इंपोर्टेंट नहीं है। फर्स्ट है अमिटी यूनिवर्सिटी, ये कहां पर है, गुड़गांव के अंदर। नेक्स्ट, अंसल यूनिवर्सिटी, ये भी गुड़गांव के अंदर है और ये भी डीएम यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट, एपीजी सत्य यूनिवर्सिटी, ये भी गुड़गांव के अंदर है। नेक्स्ट, अशोका विश्वविद्यालय, ये सोनीपत में है और सोनीपत बना था 1972 में। सोनीपत और भिवानी दोनों 1972 में बने थे। नेक्स्ट, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी ये कहां पर है, एस्थल बोहर, ये रोहतक केंद्र है। आपको पता है बाबा मस्तनाथ का एक मेला भी लगता है, ये काफी फेमस मेला है। ये है आज की हमारी वीडियो का क्वेश्चन ऑफ द डे कि हरियाणा और भारत की साक्षरता तो दर है वो कितनी, अकॉर्डिंग टू जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग आपको हरियाणा की बतानी है और भारत की बतानी है। हमारे पास जितने भी इनके आंसर आएंगे उनमें हम 5 लकी विनर चूज करेंगे और उन्हें हमारी जो एक फ्री ईबुक है जिसमें 600 क्वेश्चन कवर किए गए हैं हरियाणा और इंडिया जीके के, वो उन्हें फ्री में मिलेगी। नेक्स्ट, भारतीय विद्यापीठ ये कहां पर है, सोनीपत में। नेक्स्ट, फोर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ये कहां पर है, सोनीपत में और ये भी एक डीएमड यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट, जेटी गोयनका यूनिवर्सिटी ये कहां पर है, ये गुड़गांव के अंदर है। आईटीएम यूनिवर्सिटियां विश्वविद्यालय ये भी गुड़गांव के अंदर है। नेक्स्ट, बाबा जगन्नाथ यूनिवर्सिटी ये भी झज्जर के अंदर है। के आर मंगलम यूनिवर्सिटियां ये कहां पर है, ये भी गुड़गांव के अंदर है। नेक्स्ट, लिंगायत विश्वविद्यालय ये फरीदाबाद में है। आपको पता है सबसे ज्यादा जो उद्योग है हरियाणा में सबसे ज्यादा वो फरीदाबाद के अंदर है। नेक्स्ट, महर्षि मार्केंडेश्वर विश्वविद्यालय ये मुलाना में है। नेक्स्ट, मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ये फरीदाबाद में है और ये भी एक डीएमड यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट, MV1 यूनिवर्सिटी ये पलवल में है। अभी आपको पता चरखी दादरी हरियाणा का 22वां जिला बना है, इससे पहले पलवल जो हरियाणा का 21वां जिला था और सबसे नवीनतम जिला था जो कि 2008 के अंदर बना था। नेक्स्ट, 16 नंबर की यूनिवर्सिटी NIILM विश्वविद्यालय ये कहां पर है, कैथल में और कैथल कब बना था, 1989 में। नेक्स्ट, ओपी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय ये कहां पर है, सोनीपत में, सोनीपत बना था 1972 के अंदर। स्काईलाइन बिजनेस स्कूल ये भी सोनीपत में है। स्कूल ऑफ इंस्पायर्ड लीडरशिप ये भी सोनीपत में है। SRM यूनिवर्सिटी ये भी सोनीपत में है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जो हमने स्पेशली तैयार की जो हरियाणा के जितने भी यूनिवर्सिटियां यूनिवर्सिटी लेवल के संस्थान है उनको लेकर। आई होप कि एग्जाम में इनमें से एक दो के आने के काफी चांसेस हैं जिसमें आपसे या तो ये पूछेंगे ये यूनिवर्सिटी कब बनी या इनके VC कौन है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हो कि आपके तरह जो अदर स्टूडेंट है उनको भी इसका बेनिफिट मिले तो उनके साथ इनको शेयर कीजिए। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।